राधा माधव के नाम की यत किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी वह मैंने यथा ज्ञान यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ। नंद, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं, उसमें से मुख्यतः ये हैं: कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों से माखन चुराकर उसका भक्षण, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केशी और प्रलंबासुर का खेल खेल में ही विनाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्र याग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। तदनंतर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा जो सबका आनंद वर्धन करेगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। तत्पश्चात श्री दामा के शाप के कारण इनका गोप गोपियों तथा श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहां इनका जाना गोपियों के लिए शोक वर्धक होगा। उस समय उन्हें ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बंधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ हो पिता, भाई एवं व्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर व्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूमकर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को भव बंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुवल्या पीड़ हाथी और मल्लों का वध करने के पश्चात अपने सामने राजा कंस को देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। तदनंतर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर लौटाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञानोपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट आएंगे। इसके बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारकापुरी का निर्माण, मुचुकुंद का उद्धार तथा यादवों सहित द्वारकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूहों के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का सौभाग्य वर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठर के राजसूय यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन, पारिजात का अपहरण, इंद्र के गर्व का गंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को झृंबणास्त्र से बांधना, बाण पुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से छुटकारा दिलाना, वाराणसी पुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता का दूरीकरण,
एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम व्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर व्रज में आएंगे। तदनंतर अपने नारायण अंश को द्वारकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे तथा व्रजवासियों एवं राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर वैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं, वे धर्म के घर को चले जाएंगे तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु क्षीर सागर को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का वर्णन मैंने किया है। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आना हुआ है, उसे बताता हूँ। सुनो, माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध है, मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय हुआ है। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कह मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आईं। उन्होंने देखा मुनि श्रेष्ठ गर्ग मध्याह्न काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं, शिष्य समूहों से घिर कर ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे प्रसन्नता पूर्वक गूढ़ योग का रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। ज्ञानमयी दृष्टि से भूत वर्तमान और भविष्य को भी देख रहे हैं। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं, उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहर यशोदा की गोद में देख रहे हैं। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षात्कार हुआ था, उसी पूर्ण काम परमात्म स्वरूप का अत्यंत प्रीतिपूर्वक दर्शन करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए वे पुलकित शरीर से भक्ति के सागर में निमग्न दिखाई देते थे। योगचर्या के अनुसार मन ही मन भगवान की पूजा और प्रणाम करते थे। गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। तदनंतर मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे समागत स्त्री पुरुष अपने अपने घर को गए। नंद ने आनंदित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका पठाई। इसके बाद उन्होंने दूध दही घी गुड़ तेल मधु माखन तक्र और चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीला पूर्वक तैयार कराईं। इसके बाद उन्होंने अघनी के चावलों के 100 ऊंचे ऊंचे पर्वताकार ढेर लगवाए, चियोरों के 100 पर्वत, नमक के साथ, शर्करा के भी साथ, लड्डुओं के साथ तथा पके फलों के 16 पर्वत खड़े कराए। जौ, गेहूं के आटे के पके हुए लड्डू, पिंड, मोदक तथा स्वास्तिक के अनेक पर्वत खड़े किए गए थे। करपदकों के बहुत ही ऊंचे ऊंचे 7 पर्वत खड़े दिखाई देते थे। कर्पूर आदि से युक्त तांबूल के बीड़ों से घर भरा हुआ था। सुवासित जल के चौड़े चौड़े कुंड भरे गए थे, जिनमें चंदन अगुरु और केसर मिलाए गए थे। नंद जी ने कौतूहलवश नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के सुवर्ण, रमणीय मोती मूंगे, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र
और आभूषण भी पुत्र के अन्न प्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। आंगन को झाड़ बुहार कर सुंदर बनाया गया। उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभों, आम के नए पल्लवों की बंधनवारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कौतुक पूर्वक सब ओर से घेर दिया गया। यथास्थान मंगल कलश स्थापित किए गए, उन्हें फलों और पल्लवों से सजाया गया तथा चंदन, अगुरु, कस्तूरी एवं फूलों के गजरों से सुशोभित किया गया। सुंदर पुष्प हारों और मनोहर वस्त्रों की राशियों से नंद भवन के आंगन को सजाया गया था। उसमें गौओं, मधुपर्कों, आसनों, फलों और सजल कलशों के समूह यथास्थान रखे गए थे। वहां नाना प्रकार के अत्यंत दुर्लभ और मनोहर वाद्य बज रहे थे। ढक्का, दुंदुभी, पटह, मृदंग, मुरज, आनक समूह, वंशी, ढोल और झांझ आदि के शब्द हो रहे थे। विद्याधरियों के नृत्य, भावभंगी तथा भ्रमण से नंद प्रांगण की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसके साथ ही गंधर्व राजों के मूर्छना युक्त संगीत तथा स्वर्ण सिंहासनों एवं रथों के सम्मिलित शब्द वहां गूंज रहे थे। इसी समय संदेशवाहक ने प्रसन्नता पूर्वक आकर नंद राय जी से कहा, प्रभो, आपके भाई बंधु गोपराज एवं गोपगण पधारे हैं। उनमें से कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ हाथियों पर सवार हैं और कितने ही रथों पर आरूढ़ हो शीघ्रता पूर्वक पधारे हैं। रत्नमय अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ शुभ आगमन हुआ है। पत्नी और सेवकों सहित गिरी भानु जी पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी हैं। घोड़े और शिविकाओं की संख्या 1-1 करोड़ हैं। ऋषींद्र, मुनींद्र, विद्वान, ब्राह्मण, बंदीजन और भिक्षुकों के समूह भी निकट आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है? आप स्वयं बाहर चलकर देखें। आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात कही, तब उसे सुनकर व्रजराज नंद जी स्वयं उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सबको साथ लेकर उन्होंने आंगन में बिठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और एकाग्र चित्त हो उन सबके लिए पाद्य आदि समर्पित किए। उस समय नंद गोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा गोप बंधुओं से परिपूर्ण हो रहा था। वहां कोई किसी के शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वहां 3 मुहूर्त तक सुवर्ण की वर्षा करके गोकुल को सोने से भर दिया। नंद की यह संपत्ति देखकर उनके सभी भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र हो 2 धुले वस्त्र धारण किए। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर से अपने ललाट आदि अंगों में तिलक किया। इसके बाद गर्ग जी तथा मुनीश्वरों की आज्ञा ले व्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठे। उन्होंने श्री विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के अनंतर बालक को भोजन कराया। आनंद मग्न हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग के कथनानुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को सघृत भोजन कराकर उनका नामकरण करने के अनंतर नंद राय ने बाजे बजवाए और मंगल कृत्य करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार के सुवर्ण, भांति भांति के धन, भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदीजनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने सुवर्ण बांटा कि सुवर्ण के भारी भार से आक्रांत होने के कारण वे सब के सब चल नहीं पाते थे। ब्राह्मणों, बंधुजनों और विशेषतः भिक्षुकों को भी उन्होंने
पूर्णतया मनोहर मिष्ठान का भोजन कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर-जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई देता था कि दो और दो, खाओ खाओ। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूंगे, सुवर्ण, मणिसार तथा विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर सुवर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों को बांटे गए। व्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को तथा शेष द्विजों को सुवर्ण के अनेक भार पूर्ण मात्रा में प्रदान किए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति एवं प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण चरणारविंदों में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार बोल रहे थे। गर्ग जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भय भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है? आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो, अणिमा आदि सिद्धियों में, योग साधना में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में अथवा अमरत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद तथा चिरकाल तक स्वर्ग लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये पांच प्रकार की मुक्तियां सभी को अभीष्ट हैं। परंतु परमात्मन, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है। परंतु मुझे आपके चरणारविंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने ही जन्मों के पुण्य का फल उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। कृपा सिंधो, दीन बंधो, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए। फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी? आपके चरणारविंदों की सेवा से ही भगवान शंकर सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए हैं। ब्रह्मन, जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सो दुर्जय काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। आपके चरणारविंदों की सेवा के प्रभाव से ही सहस्त्र मुखों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को सरसों के एक दाने की भांति सिर पर धारण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव कंठ में विष धारण करते हैं, जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परात्परा हैं, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। जो सबकी बीज रूपा हैं, वे शक्ति रूपिणी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में तत्पर हो जाती हैं। सबकी बुद्धि रूपिणी एवं सर्व रूपा पार्वती ने आपके चरणों की सेवा से ही महेश्वर शिव को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त किया है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञान माता सरस्वती हैं, वे आपके चरणारविंदों की आराधना करके ही सबकी पूजनिया हुई हैं। जो ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की गति हैं, वे वेद जननी सावित्री आपकी चरण सेवा से ही तीनों लोकों को पवित्र करती हैं।
पृथ्वी आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से ही जगत को धारण करने में समर्थ रत्नगर्भा तथा संपूर्ण शस्यों को उत्पन्न करने वाली हुई हैं। आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्षे स्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती हैं, फिर दूसरे की क्या बात है। ईश, जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियां आपसे सनात हैं, उसी तरह मुझे भी सनात कीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। नाथ, मैं घर को नहीं जाऊंगा और आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूंगा। मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्रेक से उनके शरीर में रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो जन्म मृत्यु जरा रोग शोक और मोह आदि के संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से कभी उसका वियोग नहीं होता। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, गोपराज, अब मैं घर जाता हूँ, आज्ञा दो। अहो, कैसी विचित्र बात है कि संसार मोह जाल से जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में फेन उठता और मिटता है, उसी प्रकार इस भव सागर में मनुष्यों को संयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। गर्ग की यह बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को उद्यत हुए, तब रोते हुए नंद आदि सब गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीति पूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग सानंद मथुरा को पधारे। ऋषि मुनि तथा प्रिय बंधु वर्ग सभी धन से संपन्न हो प्रसन्न मन से अपने अपने घरों को गए। समस्त बंधी जन भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। उन सबको मीठे पदार्थ वस्त्र उत्तम श्रेणी के अश्व तथा सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे। आकंठ भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुकगण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटे। वे सुवर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थककर चलने में असमर्थ हो गए थे। कोई धीरे धीरे चलते, कोई विश्राम के लिए धरती पर सो जाते और कुछ लोग मार्ग में उठते बैठते जाते थे। कोई वहां सानंद हंसते हुए टिक जाते थे। कपर्दकों तथा अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बच गए थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े हो दूसरों को वे वस्तुएं दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे। कोई नाना प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते थे। राजा मरुत, श्वेत, सगर, मांधाता, उत्तानपाद, नहुष और नल आदि की जो कथाएं हैं, उन्हें सुनाते थे। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की तथा राजा रंती देव के दान कर्म की भी गाथाएं गाते थे। कोई ठहर ठहर कर और कोई सो सोकर यात्रा करते थे। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को गए। हर्ष से भरे हुए नंद और यशोदा दोनों दंपत्ति बाल कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे। अब वे गौओं की पूंछ
और दीवाल पकड़कर खड़े होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल पाते थे। मुने, आंगन में चलते हुए वे दोनों भाई माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक श्री हरि दो एक पग चलने में समर्थ हो गए। घर में और आंगन में वे घुटनों के बल से चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से एक साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए दिन ब दिन बड़े होने लगे। माया से शिशु रूपधारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में समर्थ हो गए। अब वे स्फुट वाक्य बोल लेते थे। मुने, गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के महान उत्सव की चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसुओं में निमग्न हो गए। देवकी जी बड़े प्रेम से बारंबार बच्चों का समाचार पूछने लगी। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार रोने लगती थी। गर्ग जी उन दोनों दंपत्ति को आशीर्वाद दे सानंद अपने घर को गए तथा वे दोनों पति पत्नी अपने कुबेर भवनोपन गृह में निवास करने लगे। नारद, जिस कल्प में यह कथा घटित हुई थी उस समय तुम 50 कामिनियों के पति गंधर्व राज उपबरहण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय मानती थी और तुम श्रृंगार में निपुण नवयुवक थे। तदनंतर ब्रह्मा जी के शाप से एक द्विज की दासी के पुत्र हुए। उसके बाद वैष्णवों की जूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हो। श्री हरि की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हो गए हो तथा पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण का यह चरित्र उनके नामकरण और अन्न प्राशन आदि का वृत्तांत कहा गया। यह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अब उनकी अन्य लीलाएं बता रहा हूँ, सुनो।